नमस्कार दोस्तों, आधार कार्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड में अब मोबाइल नंबर को घर बैठे ही अब जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के जरिए से। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे आपको आधार सेंटर यहाँ पे जाने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल के जरिए से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जो कि इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप यहां पे ऑनलाइन में आप अपने आधार कार्ड में किस प्रकार से मोबाइल नंबर को जोड़ेंगे, लिंक करेंगे, वो भी घर बैठे ही। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे कोई भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है इंडियन पोस्ट बैंक। ये जैसे आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में एक लिंक देखने के लिए मिलेगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो सिंपली इस लिंक का ऊपर में क्लिक कर, उस लिंक का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे यदि आप अपना मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो ये 3 डॉट को ऊपर में क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप साइज को आप ओपन कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे काम करने में बहुत ही आसानी हो। तो यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान पूर्वक से देखना है तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे कोई भी बड़ा प्रोसेस नहीं, छोटी सी प्रोसेस है। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको जूम आउट यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जूम करने के बाद यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट, यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे IPP कॉन्टेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा कस्टमर, तो इसका ऊपर में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं पूरा जूम करके आपको अच्छी तरह से दिखाया हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्म यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसी फॉर्म में मैं यहाँ पे आधार कार्ड की तरफ से यहाँ पे जो अपडेट एक न्यू यहाँ पे लॉन्च किया है, जो कि यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट किया, यहाँ पे देख सकते हैं आधार मोबाइल नंबर अपडेट। तो सिंपली यहाँ पे आपको इसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना इस बॉक्स के ऊपर में। देन यहाँ पे आपको नीचे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, जो कि यहाँ पे आपको पूरा अच्छी तरह से फिल करना है। अब यहाँ पे किस प्रकार से आपको फिल करना है और कौन सी एड्रेस आपको फिल करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक आपको अच्छी तरह से समझना है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी लंबा प्रोसेस नहीं है दोस्तों, छोटी सी प्रोसेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली फर्स्ट वाला में यहाँ पे अपना जो भी MR यहाँ पे यदि आप हैं तो MR डालिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे शादीशुदा है या तो फिर यहाँ पे लड़की है तो जैसा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे नाम, उसके बाद जो भी आपका लास्ट टाइम है वो भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पे कौन से आप अपडेट कीजिएगा, जो भी अपना आधार कार्ड में उसी को यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट करना है, यहाँ पे लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल ID आप लिख सकते हैं भी नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है एड्रेस, तो एड्रेस आपको यहाँ पे कौन सी एड्रेस फिल करना है तो मैं बता दूँ, अभी आप जिस स्थान पे हैं वही उसी स्थान का यहाँ पे आपका एड्रेस को फिल करना है। मान लीजिए अभी आप चेन्नई में है और आपका गांव दिल्ली में है, ठीक है, तो अभी आप चेन्नई में है तो चेन्नई का ही आपको यहाँ पे डालना है पूरा एड्रेस, पिन कोड वगैरह वगैरह जो भी है पूरा सब कुछ यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे एड्रेस को फिल करने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही पिन कोड डालिएगा तो नीचे में यहाँ पे नियर पोस्ट ऑफिस का ऊपर में आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी आपका नज़दीक में पोस्ट ऑफिस होगा वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी नज़दीक में उसको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे जो भी है पूरा उसका एड्रेस आप सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे में आपको एनी स्पेशली रिक्वेस्ट कुछ भी करना चाहता है तो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट लिख देना है। देन उसके बाद यहाँ पे इसको ये बॉक्स के ऊपर में क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट कोड यहाँ पे देखने के लिए मिला है, इस टेक्स्ट कोड वेरिफिकेशन को यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे हमको ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया। अब यहाँ पे सिंपली मैं 6032 यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ अच्छी तरह से ताकि कुछ गलत ना हो, ठीक है। देन यहाँ पे आपको नीचे में सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे सबमिट का ऊपर में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है थोड़ा आपको, ठीक है, जो कि यहाँ पे पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों आपका मोबाइल से ही आप खुद अपना मोबाइल से कर सकते हैं ये प्रोसेस, जो कि यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते सबमिट यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे लोडिंग ले रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सबमिट हो गया, योर सबमिशन हैज बीन यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। तो अब यहाँ पे मेरा सबमिट हो गया है, अब यहाँ पे जो भी नियर बाय में आप जो भी पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट किए होंगे उस पोस्ट ऑफिस से आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर कॉल आएगा, फिर वहाँ से एक एजेंट आएगा जो भी आधार कार्ड को लिंक करने के लिए डिवाइस होता है उस डिवाइस को लेकर आपके घर तक आएगा और जो भी 50 से 100 रुपया चार्ज होगा वो आपसे लिया जाएगा। देन उसके बाद 7 दिन के अंदर ही आपका जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड सेंटर जाने का कोई भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इस रिक्वेस्ट को सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका घर आके खुद से आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर देगा और यहाँ पे आपसे थोड़ी सी चार्जेस जो भी होता है
वो आपसे लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करा सकते हैं बिना कोई भी आधार सेंटर जाए हुए अपने स्मार्टफोन के जरिए से। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।